गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लासेस, सो आई होप यू ऑल्सो पे अटेंशन एंड डू योर वर्क रेगुलरली। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक। बुक नेम इज हनी सकई। ओके, सो योर फर्स्ट चैप्टर इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु मीन्स कौन, पैट्रिक का होमवर्क कौन करता है। डियर स्टूडेंट, पैट्रिक इज ए बॉय और ही हेट्स होमवर्क। वो होमवर्क से नफरत करता है, वो बिल्कुल होमवर्क करना पसंद नहीं करता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड कि पैट्रिक कैसे अपना होमवर्क करता है, किससे अपना होमवर्क करवाता है, एंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी वी विल रीड दैट हाउ ही गेट्स हैबिचुअल टू डू होमवर्क। कैसे वो होमवर्क करने का हैबिचुअल हो जाता है, एंड हाउ ही गेट्स ए प्लस इन ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सैड। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता, टू बोरिंग, बहुत बोरिंग है, ही सैड वह कहता था। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। प्लेड मीन्स खेला करता था, ये चैप्टर हमारा पास्ट में है। वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो वीडियो गेम है, ये सभी गेम खेला करता था। इंस्टेड होते के बजाय, होमवर्क करने के बजाय ये सभी गेम खेलता था वो। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उसे कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट वॉज ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और ये सच भी था, समटाइम्स मीन्स कभी कभी उसे ऐसा फील होता था लाइक एन इग्नोरमस कि वो बिल्कुल बेसमझ है। इग्नोरमस मीन्स अज्ञानी, जिसे कोई समझ ना हो, कोई ज्ञान ना हो। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। He hated homework. Hate means नफरत करना, तो hated नफरत करता था, वो homework से नफरत करता था। Then one day he found his cat playing with a little doll. One day एक दिन उसने देखा कि उसकी जो cat थी वो playing with a little doll, एक छोटी doll के साथ खेल रही थी। He grabbed it away. Grab होता है छीन लेना, झपट लेना। उसने उस cat से उसको doll को छीन लिया। To his surprise it wasn't ए डोल एट ऑल, लेकिन उसे सरप्राइज हुआ, हैरानी हुई कि इट वॉजेंट ए डोल, वो एक डोल नहीं थी। बट ए मैन ऑफ द टीनियस साइज, लेकिन वो एक छोटे साइज का मैन था, इट मीन्स एक बोना इंसान था। ही हैड ए लिटल वूल शर्ट, उसने एक छोटी वूल होता है ऊन से बनी हुई, ठीक है, उसने एक वूलन शर्ट पहनी हुई थी ऊन से बनी हुई, विद ओल्ड फैशन ब्रीचिज, और पुराने फैशन की ब्रीचिज मीन्स हाफ ट्राउजर, शॉर्ट ट्राउजर पहनी हुई थी उसने। ए हाई टोल हैट मच लाइक ए विचेज, एक ऊंचा और लंबा हैट पहना हुआ था, विचेज मीन्स जादूगरों के जैसा। येल, वो चिल्लाया, येल मीन्स चिल्लाना। सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस मत दो टू दैट कैट, उस बिल्ली को। आई विल ग्रांट यू ए विश, ग्रांट मीन्स होता है पूरी करना, मानना। विश मीन्स इच्छा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रोमिस करता हूँ ये। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज। अब पैट्रिक विश्वास नहीं कर सकता था कि वो कितना लकी था। क्यों? क्योंकि पैट्रिक होमवर्क करना नहीं चाहता था बिल्कुल भी, और अब उसे क्या, अब क्या हो गया था, वो एल्फ से अपना होमवर्क करवाना चाहता था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे उसके हर प्रॉब्लम्स का उसे आंसर मिल गया था। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, टिल मीन्स होता है तक, सेमेस्टर के एंड तक, दैट्स फॉर 35 डेज। सेमेस्टर कम्प्लीट होने में 35 डेज बाकी थे, तो पैट्रिक ने उसको बोला कि अगर तुम एंड ऑफ द सेमेस्टर मेरा सारा होमवर्क कम्प्लीट करोगे, इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट ए प्लस, तो मैं ए प्लस भी ले सकता हूँ। द लिटल मैनस फेस रिंकल लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जो लिटल मैन का फेस था, चेहरा था, वो रिंकल मीन्स चूरियों से भरा हुआ है, मुरझाया हुआ होता है। तो उसका चेहरा लाइक ए डिस्क क्लॉथ मीन होता है, जो झाड़न बोलते हैं डस्टिंग के लिए, जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं, और हैम्पर मीन्स होता है बास्केट, टोकरी। तो जैसे हम झाड़ने पोछने के बाद कपड़े को टोकरी में फेंक देते हैं, तो उस कपड़े की तरह उसका मुरझाया हुआ फेस हो गया था एल्फ का। ही किक दिस लेग्स, अब जैसे बच्चा है तो उसे गुस्सा आया एल्फ को, जिस तरह से बच्चा गुस्से में होता है तो अपनी टांगे पटकता है, चेहरा अजीब सा बना लेता है, इस तरह से एल्फ ने क्या किया, ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों को पटका। डबल हिज फिस्ट, फिस्ट होती है मुठ्ठियाँ, उसने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। ही ग्रीमेस्ट होता है
गुस्से से मुंह बना लिया उसने। स्काउल मीन्स भौहें चढ़ाना, उसने अपनी भौहें चढ़ा ली एंड पास्ट हिज लिप्स, और अपने लिप्स को पास्ट मीन्स सिकोड़ लिया। ओ एम आई कस्ट, कस मीन होता है अभिशाप, यहाँ पे क्या मीनिंग है, एम आई कस्ट, क्या मैं फंस गया हूँ। बट आई विल डू इट, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं ये करूँगा, क्योंकि उसे स्कैट से बचना था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपने वर्ड्स को ट्रू करने के लिए, सच करने के लिए, या मीन्स अपने प्रोमिस को पूरा करने के लिए, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उस लिटिल एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना बिगेन मीन शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच, लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ पे क्या था, एक वन ग्लिच मीन्स एक प्रॉब्लम थी उसे। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, जो एल्फ था उसे हमेशा ये नहीं पता लगता था कि वट टू डू, कि क्या करना है। ही नीडेड हेल्प, उसे हेल्प की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी, हेल्प मी, ही वुड से, वो हमेशा क्या कहता था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी इन वट एवर वे, जिस तरह से भी वो बोलता था उस तरीके से पैट्रिक को हर बार उस हेल्प की हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये वर्ड नहीं जानता। द एल्प स्क्रीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, मैं ये वर्ड नहीं जानता, जो एल्फ है जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड करती थी उस टाइम एल्फ स्क्रीड मीन चिल्लाई। गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। नो नहीं, अब वो पैट्रिक को कह रहे कि डिक्शनरी ही नहीं ला कर देनी, क्या करना है आपको। बट इवन वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, कि ये ज़्यादा बेटर होगा कि तुम इस वर्ड को लुकअप मीन्स देखो, तुम वर्ड्स को फाइंड आउट करो एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और हर लेटर को तुम पढ़ के बताओ मुझे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड टुमारो, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। टुडे योर होमवर्क इज टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली एंड लर्न एंड राइट दीज वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। ओके, योर होमवर्क इज टू लर्न एंड राइट दीज वर्ड्स इन योर इंग्लिश रीडर फेयर नोटबुक। ओके, थैंक्स।